वेरी गुड मॉर्निंग क्लास. अगेन आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू कंडक्ट योर फिजिकल फिटनेस फिजिकल एजुकेशन क्लास ऑफ क्लास 12. माय चैप्टर नंबर योर चैप्टर नंबर इज चैप्टर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. पिछली बार मैंने टॉपिक में आपको कराया था कि आपका मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और क्यों ज़रूरी है, कंपोनेंट्स ऑफ मोटर फिटनेस एंड मोटर फिटनेस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, ये पिछली बार मैंने आपको बताया था. और ये टेस्ट आपको आपसे इसमें से एक आध टेस्ट मैंने आपसे करवाए भी है, आपको बताया भी था टेस्ट वो आपका हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, तो उसमें आपसे कुछ टेस्ट हैं लेकिन इस वो टेस्ट मैंने आपसे करवाए थे. लेकिन इस बार जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ पढ़ाने के लिहाज से, आपको इस टेस्ट के बारे में समझना है, ये खुद अपने ऊपर करना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है जबकि एग्जाम में जब ये टेस्ट आते हैं तो आप इसको लिख सकें और इसकी इम्पोर्टेंस लिख सकें. मोटर फिटनेस टेस्ट क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप ठीक से समझ सकें. तो इसकी नॉलेज आपको प्रॉपर होना ज़रूरी है. कंपोनेंट्स इसके क्या है पिछली बार मैंने बताया था, दोबारा से फिर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ आपकी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए. सबसे पहला एक कंपोनेंट मोटर फिटनेस टेस्ट में आपका एजिलिटी आता है, बैलेंस आता है, कोऑर्डिनेशन, पावर, स्पीड एंड रिएक्शन टाइम, और ये सारे टेस्ट मैंने आपको बताए थे और किस किस के टेस्ट आने ये ज़रूरी है. और इसके बाद आया था मोटर फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, तो 50 मीटर रेस नंबर 2, 600 मीटर रेस, सिट एंड रीच नंबर 4 इज पार्शियल कर्ल, नंबर 5 पुशअप्स फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स एंड स्टैंडिंग ब्रॉड जंप एंड लास्ट इज एजिलिटी 4x100 मीटर शटल रन. तो ये आपके मोटर फिटनेस टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मोटर फिटनेस टेस्ट. अब आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस. कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है क्या, तो ये आपको समझना पहले ज़रूरी है कि कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है क्या चीज़. सबसे पहले आप अगर मीनिंग देखें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या चीज़ है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस किसे कहते हैं, तो ये आपको दो लाइन में इसको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है शॉर्ट नोट में, व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में. द मीनिंग ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी टू द हार्ट एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल्स. फिर से बोल रहा हूँ, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल्स टिश्यू. तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस उसको कहते हैं जो आपकी एबिलिटी दिखाती है हार्ट की और लंग्स की, क्योंकि लंग्स से आपको ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन आपको लंग्स आपकी बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और हार्ट जो है आपकी बॉडी को ब्लड पहुंचाता है, और ये आपके वर्किंग मसल्स टिश्यूज को या वर्किंग मसल्स को पहुंचाते हैं. तो ये उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, हार्ट और लंग्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं, इसे कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट कहा जाता है. तो ये टेस्ट आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट कहे जाते हैं, और ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की इम्पोर्टेंस जो है एरोबिक एक्टिविटीज में ज्यादा होती है. अब आता है आपका एरोबिक एक्टिविटीज क्या है, एरोबिक एक्टिविटीज की क्या इम्पोर्टेंस है फिटनेस में, और एरोबिक जो वर्ड है वो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो आपको 3 मिनट से ज्यादा ड्यूरेशन तक करनी पड़े वो आपकी एरोबिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है. तो सबसे पहले आता है आपका सपोज दैट आप अगर स्कीपिंग कर रहे हैं वो भी आपकी कार्डियोवास्कुलर या एरोबिक एक्टिविटीज में इंक्लूड होती है. एरोबिक एक्टिविटीज का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रुप में एक्टिविटीज जो एक्सरसाइज कराई जा रही है वो एरोबिक है, एरोबिक बहुत सारी एक्सरसाइजेस में हो सकता है. अगर आप वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो वेट ट्रेनिंग में अगर कोई भी रेपिटिशंस अगर आप 3 मिनट से ज्यादा तक कंटिन्यूसली रेपिटिशंस करते रहते हैं, रेपिटिशंस बार बार करते रहते हैं, तो वो भी आपका एरोबिक एक्सरसाइज में आ जाता है. जबकि एरोबिक एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अलग अलग होती है, लेकिन एरोबिक के लिए आप सिर्फ याद रखें 3 मिनट तक कंटिन्यूसली जो भी फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटीज या एक्सरसाइज होती है वो एरोबिक एक्टिविटीज कहलाती है. चाहे जॉगिंग कर लीजिए, चाहे रनिंग कर लीजिए, चाहे साइकिलिंग कर लीजिए, ये भी आपकी एरोबिक एक्टिविटीज में आती है.
ठीक है। तो उसके बाद आपको, अब आपको कहा जाता है ये इम्पॉर्टेंस जो है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एरोबिक एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और किसी भी, जैसे आप ये समझ लीजिए एथलीट कह लीजिए या 10th and 12th के स्टूडेंट्स के लिए, आपको अपनी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को चेक करने के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छे टेस्ट होते हैं और बहुत ज़रूरी है। और आपको एरोबिक एक्टिविटीज़ को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी होता है अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए। तो अब आता है आपका कार्डियोवास्कुलर फिटनेस के टेस्ट। आपके जो कोर्स में है CBSE के, वो कोर्स में सिर्फ दो टेस्ट हैं, एक हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है और दूसरा रॉकवर्ड टेस्ट या 1 mile टेस्ट। तो ये हार्वर्ड फिटनेस टेस्ट क्या है, कैसे करना है, ये किस लिए होता है और कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। आप ये टेस्ट अपने आप से अपने घर पर भी कर सकते हैं, और किस तरीके से करना है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, और इसको कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। आप इससे अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, एरोबिक एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, अपना फिटनेस लेवल चेक कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। और इसकी सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, वो सॉरी इसके कॉपीज में जो बुक्स में जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसी तरीके से आपसे जब क्वेश्चन आंसर पूछ जाए तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आंसर भी आपको लिखने होंगे। तो अभी तक मैंने आपको इस वीडियो में बताया व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द वर्किंग मसल्स टिश्यूज। हमारे हार्ट और लंग्स की एबिलिटी को चेक करने के लिए जो है ये टेस्ट किया जाता है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है, और ये आपकी फिटनेस का, आपकी एरोबिक एक्टिविटीज का को मेजर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके जो दो टेस्ट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू।